नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रो होम्योपैथी या इलेक्ट्रोपैथी में बहुत सारे बच्चे कोर्स करना चाहते हैं। कुछ संस्थाएं उनको अगर प्लस टू साइंस है बच्चा तो बीएमएस में प्रवेश दे देती हैं, कुछ कहती है नहीं आप डिप्लोमा करो। कुछ संस्थाएं टेंथ बेस पे डिप्लोमा लेती हैं और प्लस टू के बेस पे बीईएमएस या एमबीईएच लेती हैं। कुछ संस्थाएँ प्लस टू मेडिकल या साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री बायो कंपलसरी रखती हैं। कुछ संस्थाएं जो हैं वो क्या कर रही हैं, उन्होंने एक नया मेथड शुरू किया है जो रिसेंटली 2022 में कि वो कैंडिडेट ने प्लस टू आर्ट्स या कॉमर्स से की है। तो बंदे में वहम आता है यार, मैं तो बैकग्राउंड मेरी प्लस टू जो है आर्ट्स कॉमर्स की है, तो उसके लिए हमने एक नया इस साल से मेथडोलॉजी चलाई है कि उस बच्चे को खासकर कि हम फिजिक्स केमिस्ट्री बायो भी फर्स्ट ईयर के साथ पढ़ाएं जिसके आर्ट्स कॉमर्स किया हुआ है, तो नेचुरली उसको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो भी उस सब्जेक्ट में एंट्री हो जाएगी। तो उस सब्जेक्ट से उसको मन में ये नहीं रहेगा। तो कई बच्चे क्या करने लग जाते हैं, प्लस टू आर्ट्स की हुई है या कॉमर्स की हुई है, वो दोबारा प्लस टू करने की कोशिश करते हैं। दोबारा प्लस टू रेगुलर करना सही बात नहीं है। अगर आप किसी NIS या किसी डिस्टेंस बोर्ड से करते हो तो भी वहाँ कहा गया कि अगर, तो बच्चे क्या करते हैं टेंथ शो कर देते हैं, अपनी प्लस टू छुपा लेते हैं, हाइड कर लेते हैं और NIS से प्लस टू मेडिकल कर लेते हैं। तो दोस्तों मैं ऐसा सुझाव नहीं दूंगा आपको। तो जो बच्चे कहते हैं यानी हम प्लस टू आर्ट्स हैं कॉमर्स हैं तो हम BEMS करना चाहते हैं, तो ये कैसे हो मुमकिन है? अभी कोई एक्ट नहीं है, कोई सिलेबस नहीं है, कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है, कोई स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं हुए। तो जिसके मन में आता है कि मैंने फर्स्ट ईयर के साथ ऑप्शनल सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री बायो भी पढ़ने हैं तो कुछ एक्स्ट्रा फीस लगा के वो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो को एंटर करवा सकता है, वो साल में वो पढ़ सकता है। अब ये ऑप्शनल है, ऑप्शनल मीन्स आपकी चॉइस पे है, ठीक है जी। तो दोस्तों अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना हमारा चैनल बाबा दीप सिंह इंस्टीट्यूट चैनल।